नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। कुछ इसके पहले इसके बारे में जानेंगे और फिर और आसन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है। UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन। आदमियों से ज़्यादा जो औरतों में ये समस्या है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है वो औरतों में ज़्यादा होता है। पहले हम बात करते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण तो होता है कि यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक के रखना। जब प्रेशर होता है यूरिन का, हम समटाइम्स रोक कर रखते हैं, बिजी होते हैं, काम में लगे होते हैं, तो ये रीज़न है। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जो है यूरिन का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा कारण कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा खाना पीना नहीं, पानी का सेवन कम करना, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खाने पीने का ढंग सही नहीं है, तो उस वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। तो अब इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो कैसे पता चलते हैं। या तो यूरिन बहुत बार बार आता है, ठीक है, या बहुत कम आता है। यूरिन के साथ ब्लड का आना, पस का आना, ये सारे इसके रीजंस होते हैं। जब यूरिन पास करते हैं तो जलन होना, तो ये थोड़े से इसके लक्षण हैं कि होता है कि हाँ कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये जो फंक्शन अंदर होता है यूरिन का बनना, यूरिन का बाहर आना, तो इसमें ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं, तो उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनके ऊपर कैसे काम किया जाए ताकि हमारा ये सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। तो चार चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले काम होता है किडनी का, गुर्दे। ठीक है, दो किडनीज होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो क्या काम करती हैं, जो हम लिक्विड्स लेते हैं, जो खून है उसको साफ करने का काम करती हैं, और जो वेस्ट होता है, जो वेस्टेज रह जाती है उसको यूरिन के जरिए, जो लिक्विड्स हैं उसके जरिए बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया ब्लैडर। जो ब्लैडर है उसमें उसका क्या काम है, एक तरह का वो स्टोरेज है, उसको स्टोर रूम बोल सकते हैं हम। जो यूरिन इकट्ठा होता है वो ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है, जब वो पूरा भर जाता है तो ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ अब यूरिन को पास करना है। मूत्राशय होता है, मूत्र नलियाँ होती हैं जिसे यूरेटर और यूरेथ्रा कहा जाता है। जो यूरेटर होता है उसका क्या काम होता है, वो दो नलियाँ होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, जो किडनी से ब्लैडर तक रक्त, ये मूत्र को ले जाने का काम करती हैं, यूरिन को ले जाने का काम करती हैं। और जो मूत्राशय होता है वो यूरिन को पास करने में हेल्प करता है। तो इस तरह ये जो चार अंग हैं ये हमारे जो यूरिन का जो फंक्शन है अंदर, ये पूरा सिस्टम जो है, ये चार जो ऑर्गन हैं ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा, अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे ये मूत्राशय से लेकर मूत्र नलियां, ब्लैडर और किडनी तक ये इन्फेक्शन जा सकता है। और जब ये इन्फेक्शन किडनी तक चला जाएगा तो बहुत ही चिंता वाला विषय बन जाता है। तो आज कुछ ऐसे आसन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और इजी वे में कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें ये समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं होते हैं। मेनोपॉज के दौरान जब पीरियड्स बंद होना शुरू होते हैं उस एज में आके ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो ईजी वे में कौन कौन सा आसन हम कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर लें, जवान लोग भी कर लें, आसान तरीके से, ज़्यादा कष्ट ना देते हुए। आपको आज मैं तीन आसन बताऊंगी जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके काम ये आए, आपको अच्छे से समझ आए। तो अगर वीडियो आखिरी तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आसन की तरफ।
तो हमारे पहले आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान जो आसन है वो फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज है, ठीक है। हम एडवांस पश्चिमोत्तान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करते हुए पश्चिमोत्तान नहीं करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो गोल वाले पिलो हैं जिन्हें बोलस्टर कहा जाता है, योगा ब्लॉक्स भी हैं। हो सकता है घरों में ये चीज़ अवेलेबल ना हो, योगा ब्लॉक समटाइम्स नहीं होते हैं बहुत लोगों के पास, बट आई थिंक ये गोल वाला पिलो जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं घरों में, अगर ये नहीं है तो सिंपल पिलो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनको यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। जो बेसिकली पश्चिमोत्तान आसन होता है, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लेग्स को बिल्कुल सीधा करके बैठते हैं। दूसरा स्टेप होता है कमर गर्दन सीधी। जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसको बेड पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो कमर गर्दन सीधी रखते हुए अब उसके बाद करते क्या है, कभी भी ऐसे हंच करके नहीं बैठना है, ये थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, हर कोई ये कोशिश कीजिए कि कमर थोड़ी सी सीधी रख के बैठे, ठीक है। सांस भरते हुए हमारा हाथ ऊपर जाता है, फिर हम सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आते हैं। तो ये तो हुआ बिना किसी चीज को यूज किए पश्चिमोत्तान। आज इजी वे में करेंगे, तो आज हम इस तरह पिलो यूज करने लगे। आपको पिलो रखना कहाँ है, घुटनों के बिल्कुल ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। घुटनों के यहाँ पे जहाँ हमारा नी खत्म होता है, नी ज्वाइंट खत्म होता है, हम वहां पे इसको इस तरह बड़े आराम से रखेंगे और इस तरह रखना है, ये लंबा करके नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह रख दिया, अब थोड़ा चेक करो कि आपका माथा यहाँ लग रहा है। देखो अभी मेरा भी दूर है, अगर कंफर्टेबली करना है, अगर बॉडी को तंग करके करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करके करना है, तो माथा लग सकता है यहाँ पे। पर मैंने शुरू में ये बोल दिया था कि आज मैं बिल्कुल कंफर्टेबल वे में कराऊंगी। तो या तो हम इसके ऊपर एक और पिलो रख सकते हैं, मैं ये ना रखते हुए योगा ब्लॉक रखने लगी हूँ इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं पश्चिमोत्तान। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, ठीक, सांस छोड़ते हुए आगे, ये इस तरह से। दूसरी चीज एक और ध्यान में रखने वाली है कि पैरों को आपस में जोड़ के रखिएगा, जो आपकी एड़ी है वो जुड़ी हुई, आपके पंजे जुड़े हुए, पूरा पैरों को इस तरीके से जोड़ के रखना है, गैप नहीं रखना है, आपके घुटने आपस में जुड़े हुए, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो मसल्स हैं जिसे हम हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, इन्हें जमीन की तरफ पूरा धक्का दे के रखना है, नीचे की तरफ दबा के रखना है। चलिए अब दोबारा पूरा आसन शुरू करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस तरह से अपने पैरों को पंजों के ऊपर से जाते हुए इस तरह से पकड़ने की कोशिश। जो कोहनी है वो पिलो पे आ जाएगी, ठीक है, और जो आपका माथा है वो इस तरह इस पे रखेंगे। माथा रखना है आपको, ये चीज, पैर जुड़े हुए, यहाँ पे अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए कम से कम आप 5 मिनट रुकने की कोशिश करें, 5 मिनट्स। आपकी बैक पे कोई खिंचाव ज़्यादा नहीं आएगा, आप तंग नहीं हो रहे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो, चाहे तो आप मेरे साथ करके देख सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए इस तरह से फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस। मैंने बहुत कम समय के लिए किया, आपको कम से कम 5 मिनट यहाँ रुकना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, हम मैं इन चीजों को थोड़ा साइड पे करती हूँ। क्या चीज बताना चाहती हूँ मैं कि जब हम आगे झुकते हैं, अभी सामने से देखिए, जब आगे झुकते हैं तो अपने कंधों को ये आगे की तरफ ऐसे नहीं करना कंधों को, ठीक है, अपने कंधों को ऊपर से उठाते हुए पूरा पीछे रखना है। आप नोटिस कर रहे हो, फर्क दिख क्लियर होना चाहिए कि ये कंधों को आगे गिरा के नहीं रखना है, कंधों को पीछे उठा के और नीचे की तरफ रखना है, नीचे, ठीक है, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ये चीज का बस थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा पहला आसन। दूसरा आसन है बद्ध कोण आसन, जिसे हम बटरफ्लाई पोज और तितली आसन बोलते हैं। तो उसको भी आज हम इजी वे में करेंगे। कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, तो जब वो तितली आसन करते हैं तो उनके पैर कुछ यूं रहते हैं, ठीक है,
और उनको पैरों को थोड़ा अंदर करना भी डिफिकल्ट लगता है, तो पैर कुछ आगे और कुछ यूं रहते हैं, तो बैक थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई रहती है, जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है। तो आज भी हम इजी वे में करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो बद्धकोणासन करने के लिए आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बिना दीवार के करके दिखा रही हूँ। आप घर में हर किसी के ब्लैंकेट होता है, आपको थोड़ा पतला वाला ब्लैंकेट लेना है, बहुत बड़ा वाला नहीं लेंगे, जैसे कि अब मैंने ये लिया है। आपको इसके ऊपर बैठना है, जिनकी बॉडी ऐसे रहती है ना कुछ यूं करके, अब जो ऊपर वाला धड़ है वो पीछे की तरफ गिरता है, घुटने कुछ यूं रहते हैं और यूं करके वो बटरफ्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल भी हैं तो जिनसे अच्छे से होता है वो चाहे तो यूज़ करें, अगर बिना यूज़ किए कुछ करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो ये रखा, अब मैं इसके ऊपर बैठूंगी। अब इसके ऊपर जब बैठना है तो सेंटर में ना बैठते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ, बिल्कुल ये एज पे, ये जो किनारा है हमें इस पे बैठना है, ठीक है। पीछे ज़्यादा वजन अपना नहीं गिराएंगे, तो इस तरह से देखिए आप, ये एज पे मैं बैठी, उसके बाद अपनी टांगों को मैंने फोल्ड किया। अब जितना कोशिश करें आप कि जो आपके पैर हैं आप अंदर की तरफ कितना लेके आ सकते हैं, अपने ब्लैंकेट की तरफ, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक। हो सकता है यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक हो। अब बारी आती है ये घुटने, अब ये इनको भी थोड़ा हम रेस्ट में रखेंगे, कंफर्टेबल रखेंगे। तो आप योगा ब्लॉक्स अगर नहीं है तो घर में दोबारा से वही कोई कुशन होगा, पिलो होगा, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं, या कोई और बेडशीट हो गई या ब्लैंकेट कोई और हो गया तो वो आप अपने इस तरह नीज के नीचे प्लेस करें दोनों तरफ। ये अब ये आसान तरीके से हो गया। अब हाइट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर और ऊंचा करना है तो कुछ और भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाथों को इस तरह नीज पे भी रख सकते हैं, नीज को पकड़ भी सकते हैं, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी। यहाँ पे आंखें बंद रखते हुए इस पोजीशन में भी आपको 5 मिनट बैठना है। कितने मिनट? 5 मिनट। सांसों को अपनी गति से चलने दीजिए। बिल्कुल भी शरीर में किसी भी तरह का तनाव नहीं है, कोई आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं यहाँ पे डीप पोस्चर में जाने के लिए। सांसों पर ध्यान लगाइए और बड़े आराम से इस आसन का अभ्यास कीजिए। और फिर जब वापस आना है, धीरे से अपने घुटनों को इस तरह इकट्ठा करके थोड़ा सा यहाँ इस तरह पकड़ के, कमर सीधी, फिर ऐसे झुकना नहीं है, फिर कमर सीधी और इस तरह आराम से बैठ जाए। तो अगर आप इस आसन को वोल के साथ करना चाहते हो तो आपका ये जो ब्लैंकेट है पीछे वोल के साथ टच कर लीजिए, ठीक है, बस बाकी सब सेम रहेगा। ब्लैंकेट को पीछे वोल के साथ इमेजिन कर लेते हैं कि ये वोल है, ठीक है, ये मेरा ब्लैंकेट पूरा वोल के साथ टच हो गया, तो आपकी बैक को थोड़ा सा पीछे वोल का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो ये दो आसन हो गए। देखिए कुछ दिन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, 15 दिन, 1 महीना, जिनको बहुत इन्फेक्शन रहता है यूरिन का उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, आप करके देखिए। अब हमारा तीसरा आसन है पादुंगस्थान आसन, ठीक है। पादुंगस्थान आसन लेट के करना है, अब वो देखिए कैसे करना है। अब उसमें आपको या तो किसी दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी या कोई एक्सरसाइज बैंड भी हो सकता है, योगा स्ट्रैप भी हो सकता है, जो भी घर में अवेलेबल है वो यूज करेंगे। तो इस तरह से हम सीधा लेते हैं अपनी मैट पे, ठीक है, कंफर्टेबल हो मैट पे या बेड पे, जहां भी आपको लेटना है। उसके बाद पहले राइट लेग फोल्ड कीजिए। अब जो भी आपको यूज करना है, आपके पास बेल्ट नहीं है, स्ट्रैप नहीं है, ठीक है, आप दुपट्टा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह पैर के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे ना ऊपर ना नीचे, बीच में हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये अब इस स्ट्रैप को पकड़ते हुए आप धीरे से जो अपना लेग है सीधा करेंगे छत की तरफ। ये हो गया। अब कोशिश कीजिए कि आपका जो नी है वो थोड़ा स्ट्रेट रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेग को ऐसे अपनी तरफ खींचने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा यहाँ कंफर्टेबल हो जाएं पहले। अब मेरा हाथ जो है वो पूरा ऊपर तक जाता है और मैं अपने टो को पकड़ के भी कंफर्टेबल हूँ,
तो मुझे स्ट्रैप की जरूरत इस समय नहीं है, मैं सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए आपको बता रही हूँ कि हम इस तरह से ये स्ट्रैप पकड़ के यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और जो दूसरा हाथ है वो हमारी टांग के पास नीचे जमीन पे रहेगा। ठीक, अब जब आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएं, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेग अपनी तरफ करें। ठीक, आराम से, ज्यादा खिंचाव देने की जरूरत अभी नहीं है। तो जो पैर जमीन पे पड़ा है उसको ढीला सा नहीं रखेंगे आप, उसको बिल्कुल एक्टिव रखेंगे, जो पंजा है वो ऊपर, पंजे छत की तरफ रहेंगे। यहाँ पे रुकते हुए लंबी गहरी सांसें कंफर्टेबली 5 मिनट, या फिर आप 2-3 मिनट एक टांग से कीजिए, 2-3 मिनट दूसरी टांग से कीजिए। इस तरह रुकने के बाद धीरे से आप स्ट्रैप को ढीला छोड़ें, अपनी टांग को फोल्ड करें और इसको निकालते हुए लेग को वापस नीचे ले जाएं। शवासन में यहाँ पे डीप ब्रीदिंग, इसी तरह आपको दूसरी लेग से करना है। ठीक है, तो ये 3 आसन आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नो डाउट और भी बहुत सारे आसन हैं, पर अगर आप इन 3 को भी बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ, थोड़े विश्वास के साथ थोड़े दिन अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, हर चीज़ क्लियर है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप आगे भी शेयर कीजिए, किसी के काम आ सकता है, किसी को आराम मिल सकता है। तो योगा लाइफ चैनल आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक 3 जगह फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।